GF200 टेबलेट का यूज किसमें किया जाता है, इसका डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कंपोजिशन, सावधानियां, फ्रेंड्स सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या फ्रेंड्स आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना है ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो GF200 टेबलेट के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इसे जो कि बनाने वाली कंपनी का नाम है FDC लिमिटेड फार्मा द्वारा बनाया जाता है। इसके MRP की बात करें तो इसका MRP जो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा चमक रहा होगा, 110 रुपये है, 110 रुपये जो कि 10 टेबलेट का केशिप आता है और आपको 11 रुपये पर टेबलेट मिल जाएगा इसलिए। तो फ्रेंड्स इसमें कंटेंट की बात करें तो इसमें सिफेक्जिम टेबलेट 200 mg है। सिफेक्जिम जो कि एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक टेबलेट है जो कि बैक्टीरिया संक्रमण में काम आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि किस किन बीमारियों में काम आता है, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, ये दांत दर्द कर रहा हो, कान में इन्फेक्शन हो गया है, ये आँख में इन्फेक्शन हो गया है, ये कट गए हैं, जला है, कटा है, ये और चोट लग गई है, तो इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको घाव बन गया है कहीं पे तो इसमें आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये एंटीबायोटिक टेबलेट जो कि बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, जो कि मैंने और सारी आपको बता दी है। तो फ्रेंड समझा लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसका डोज जो है एक अडल्ट व्यक्ति दिन में 2 से 3 टाइम ले सकता है, लेकिन अपने डॉक्टर के अनुसार लें ताकि आपको इसका साइड इफेक्ट ना हो। आप 2 टाइम इसे ले सकते हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद इसे खाइएगा, और बच्चों को खिलाना है तो 100 mg का आता है, जो कि मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, जल्द उसका वीडियो भी आने वाला है, तो आप वो वीडियो जरूर से देखिएगा। तो आप इसे देखिए, अगर आप खाना खाने के पहले खाते हैं तो चक्कर आ सकता है, इसीलिए इसे खाना खाने के बाद ही खाएं। तो फ्रेंड्स हम जान लेते हैं इसके सावधानी के बारे में। इसकी सावधानी जो लीवर या किडनी संबंधी दिक्कत है तो इसका सेवन ना करें। जो महिला प्रेग्नेंट है, फिर जो हम बच्चों को अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर से ले लें। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सेवन ना करें, और मैं आपको बता दूं अगर ड्राइविंग करते हैं तो भी यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूरी है। हम जान लेते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। याद रहे मैं कॉमन साइड इफेक्ट बता रहा हूँ, ना कि भारी। आप इसे 5 दिन खाइए और 5 दिन में आराम नहीं तो बंद कर दीजिए। तो कॉमन साइड इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, 5 दिन से ज्यादा खाते हैं तो भारी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसका कॉमन साइड इफेक्ट जैसे उल्टी, मतली, दस्त, पेट फूलना, शरीर शरीर में दाने निकलना, खुजली होना और सर दर्द होना, ऐसा कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है तो इसका सेवन करना तुरंत ही बंद कर दें, और उल्टी भी हो सकता है। तो ये समझ लीजिए आपको थोड़ा सा जैसे आपको लगा तो तुरंत ही बंद कर दो और अपने डॉक्टर के पास जाओ, तुरंत ही दवा देगा, ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये थी कुछ सावधानियां, और हाँ मैं आपको बता देता हूँ सेफेक्जिम, अगर सेफेक्जिम ऐसे एलर्जी है, किसी किसी को एलर्जी रहती है मेडिसिन से, सेफेक्जिम कंटेंट एलर्जी है तो इसका सेवन ना करें, और अगर आपको एंटीबायोटिक टेबलेट ले रहे हैं तो इसका यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स ये था GF200 टेबलेट के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे मेडिसिन रिलेटेड जानकारी मिलता रहे। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किसी मेडिसिन के बारे में जानना, किसी दवा के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले, हमारा काम ऐसे मेडिसिन की नॉलेज देना है।